हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर वन का गणित सेक्शन। तो पेपर वन 7 जुलाई 2019 को जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें गणित सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक। तो शुरू करते हैं दोस्तों, यह सिर्फ एक आंसर की है, तो आंसर की में आपको सिर्फ आंसर्स मैच करने हैं। मैं आपको वीडियो को लंबा नहीं बनाऊँगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूँ, बस आपको आंसर्स बताऊंगा, आप आंसर्स को मैच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें और इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। चार ऑप्शंस हैं, तो 31 का ऑप्शन नंबर 4 है क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। ये जो तीन अवधारणाएँ हैं इनको संबोधित किया जा सकता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। चार ऑप्शंस हैं इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन नंबर 3 है सही आंसर होगा, कि भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मैं साथ ही साथ आंसर्स को टिक करता जा रहा हूँ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33। वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है ज्यामितीय चिंतन, भिन्न संख्या की संकल्पना और स्थानीय मान। तो क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ज्यामितीय चिंतन। क्वेश्चन नंबर 34 है अभी, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सी गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो ये चार जो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं 34 में, उसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है अभी, दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 × 0.2 = 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, डाइनिस ब्लॉक्स और टेलर का गिनतारा। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, टेलर का गिनतारा, एवेकस सही होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है अभी, NCF यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम, इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कैसा होगा। ऑप्शन नंबर 3, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 देखें, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है अभी 38, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। तो कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है ये आपको बताना था। 38 का ऑप्शन नंबर 3, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके, ये सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, 18 सहित 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। 72, 35, 68 और 75, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 75 चतुर्थांश है। क्वेश्चन नंबर 40 है अभी, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं और 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 हो तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। ऑप्शन है 80, 20, 40 और 120। तो क्वेश्चन नंबर 40, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, वो होगा 40। क्वेश्चन नंबर 41 है अभी, दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है, तो डाक की दरें उसमें इस तरह से बताई गई हैं जो सामने हैं। तो दीपा दो पार्सल 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के और दो पत्र क्रम से 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है, उसे कितना डाक शुल्क देना होगा। उसमें आपको ऊपर दिया हुआ था सब कुछ, तो 41 में ऑप्शन दिए गए हैं 39, 49, 41 और 48।
तो इसका ऑप्शन नंबर दो सही होगा, 49 रुपीज। क्वेश्चन नंबर है अभी 42। 2, 3, 4, 6, 7, 8 ये जो संख्याएं दी हैं इनको निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है, तो इनमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो योग करने पर अधिकतम संभव संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 42, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1605। क्वेश्चन नंबर 43 है अभी, नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सारणी दी गई थी, अब बताना आपको यह है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। चार कथन दिए गए थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43, इसमें से कौन सा ये चार कथन में से कौन सा आंसर सही होगा। तो 43 का ऑप्शन नंबर 4 है कि नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे और 10 मिनट का है। क्वेश्चन नंबर है अभी 44, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ बताना है, तो वो आएगा 100। ऑप्शन नंबर दो सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 45 है, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया और इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। तो 45 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, 400 ग्राम होगा प्रत्येक पैकेट का भार। क्वेश्चन नंबर 46, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है और बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो बीकर की धारिता क्या है, 100 लीटर, 28 लीटर, 14 लीटर और 50 लीटर। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 28 लीटर। क्वेश्चन नंबर 47 है अभी, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम को निरूपित करती हैं, अवरोही क्रम मतलब ज़्यादा से कम की तरफ। तो 47 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ये वाली संख्याएं अवरोही क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 48, मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूँ और मेरे कुल 9 गुणनखंड है, तो इन चारों में से कौन सी संख्या वो होगी, वो होगी 36। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49, आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल खरीदना चाहती है, प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है और रविवार को इसमें से 60 खर्च कर देती है, उसे 5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी, 30, 40, 25 और 35। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, वो है 35 सप्ताह। आगे है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखाएं हैं, सी, वाई, ए और एक्स, कौन से अक्षर में लेटी और खड़ी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति की दोनों रेखाएं हैं। तो 50 का ऑप्शन नंबर 4 है, एक्स। क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि 11011 इसका ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा गया है इजिकल टू ब्लैंक स्थान दिया गया है, तो रिक्त स्थान में संख्या है 30, 33, 22 और 27, तो 51 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 27। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका, 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 53 है अभी, 72 × 28 = 36 × 4 × ब्लैंक जगह है, तो रिक्त स्थान की संख्या क्या होगी, 7 का गुणज, 1 अवाज्य संख्या, 10 से कम संख्या, 1 सम संख्या और 56 का गुणनखंड। तो 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि ए, डी और ई, ए, डी और ई, ये तीनों वाली संख्या उसके अंदर होंगी। क्वेश्चन नंबर 54 है अभी, कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है, 3 कथन दिए हुए हैं, तो कौन से अनुसरण की आवश्यकता है अनुसरण करने की 54 में। ऑप्शन नंबर पहला है बी, सी और ए, बी, सी, ए, ऐसे करके चलना है, बी, सी और ए, याद रखिए इसे, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 55, कक्षा 3 के छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया, गुणनखंड आपके सामने है, ये किया है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया, पुनरावर्तन योग, प्रतिलोम गुणन, वितरण सिद्धांत और साहचर्य सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर 4 है, साहचर्य सिद्धांत बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 56,
समावेशित विद्यालय में आप अपनी क्लास के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? 56 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर है 57, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दो कथन दिए गए हैं, ए और बी। तो 57 का ऑप्शन नंबर 2 है कि ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है अभी, निम्न में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? कंठस्थ करना, आकलन करना, पक्षांतरण करना और मानस दर्शन करना। 58 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कंठस्थ करना, क्योंकि गणित में याद नहीं करते हैं, रटते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है अभी, निम्न में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? 59 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मापन। अगला क्वेश्चन है लास्ट 60, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। दो समस्याएं दी हैं ये, ए और बी, इनको पढ़ने के बाद बताना है कि कौन सा कथन सही है। चार कथन हैं, 1, 2, 3, 4, चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? 60 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। तो ये तो थे 30 क्वेश्चन गणित के पेपर नंबर 1 से, जो कि आज पेपर कंडक्ट हुआ था। आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हों। धन्यवाद दोस्तों।